सूरत यूसुफ नाजिल हुई मक्का शरीफ के अंदर। इधर नाजिल होने का मकसद यह अरब के अंदर एक ऐसा शायर सी कि जिन्हें शेर पढ़ने और लोगों को कट्ठिया करके कहना भी मेरे शेर सुनो, मैं शेर अफजल पढ़ना या अल्लाह दा नबी अफजल पढ़ता है। उन्हें अपने आप को हसीन आखना भी मैं शेर बहुत अच्छा पढ़ सकना, मेरा कलाम सुनो। और अरब के लोगों ने भी कहना भी क्या बात है तेरे पढ़ने दी। मुखालिफ सन तो खालिक दी गैरत ने गवारा नहीं किया कि शायर मेरे नबी तू आला शायर तो कोई पढ़ नहीं सकता। मेरे खालिक ने फरमाया जिब्राइल मैं ऐसा हसीन भरा किस्सा बयान करना मुस्तफा दे सीने ते और जा मेरे महबूब दे सीने ते नाजिल कर। और उस शायर का मुंह बंद करने लई अल्लाह ने अहसनुल कसस हजरत यूसुफ अलैहि सलातु वस्सलाम दा किस्सा बयान कर। और मेरे आका अली सलातु वस्सलाम दे कलबे अनवर दे उते एक किस्सा हजरत यूसुफ अली सलातु वस्सलाम दा आया। हसीन किस्सा विचों अहसनुल हसीन अहसनुल कसस हसीन किस्सा है। प्यारियां किस्सा विचों एक सोहना किस्सा है हजरत यूसुफ अलैहि सलातु वस्सलाम। आगे चल के बयान कर दे, कुरान पढ़दा मैं। खालिक ने हजरत यूसुफ अलैहि सलातु वस्सलाम नु जड़ा हुस्न बख्शा सी। आप अगर किसी गली ते बाजार तो गुजर के जाना आप दे हुस्न मुबारक की वजह तो गलियां ते बाजारा चमक उठना और उस चमक दे विचों खुशबू दे हुल्ले आने। हजरत यूसुफ अली सलातु वस्सलाम दा हुस्न मुबारक गलियां ते बाजारां विचों अपने गुजरना आप दे हुस्न दी वजह तो तमाम दियां तमाम बाजारां चमक उठनियां। और लोग इंतजार करते सन कि हजरत यूसुफ अली सलातु वस्सलाम कदों गुजरनगे और लोगों नूं पता चल जाना कि अज इस गली दे विचों हजरत यूसुफ अली सलाम गुजर के गए ने। सारा दिन उस गली दे विच खुशबू दे हुल्ले रहने। जे गल करिए अपने महबूब दी हजरत यूसुफ अली सलातु वस्सलाम जिस गली विच गुजरन उस गली विच एक दिन खुशबू भी रावे ते गलियां ते बाजारा भी चमकन। पर मेरे करीम ओ नबी ने जिस बाजार तू सरकार ने गुजर के जाना तीन दिन उतो नूर दिया शुआवा निकलिया रहना और खुशबू दे हुल्ले रहने। और बल्कि हजरत अनस रजी अल्लाह तआला फरमांदे ने रिवायत करते ने फरमांदे ने जे पता करना होंदा सी ना हुजूर किधर गए ने खुशबू दे जरिए नाल खुशबू दे जरिए नाल उस मंजिल ते पहुंचना जिथे आका तशरीफ फरमा होंदे सन। हजरत यूसुफ अली सलातु वस्सलाम और फिर सुनो आप दा आप दे हिजाब दे सामने पर्दे नहीं सन ते फिर भी गलियां ते बाजारां चमकदियां सन। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला फरमांदे ने मेरे आका अली सलातु वस्सलाम दे हुस्न मुबारक दे अगे 70 पर्दे सन। हाँ जी, और सरकार जिस वक्त मदीना शरीफ तशरीफ ले गए सरकार ने एक पर्दा हटाया ते मदीना पाक के लोग पहचान गए। 70,000 पर्दे 70 नहीं 70,000 पर्दे मुस्तफा दे हिजाब
तो फिर भी मेरे आका अली सलातो सलाम ने कदम मुबारक मदीने शरीफ रखिया तो सारा मदीना चमक उठा। अगर गुलाम सोना है तो सरदार भी सोना है। मेराज दी रात तीसरे आसमान के उत्ते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल मुलाकात हुई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न देख के अपने मुबारक पेश की। फरमाया यूसुफ मुबारक हो वे तेरे हुस्न की क्या बात है। आपने अर्ज की थी मेरे आका मेरे हुस्न की कमाल तो क्या बात है पर मैनू जड़ा हुस्न मिले तेरे सदके मिलया है। कश्मीर दे रूमी मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह उन्हें कमाल दा जुमला लिखा जे सुनना चाहते हो तो मिठी आवाज़ में सुभान अल्लाह फरमांदे ने जिस वक्त मेरे आका अली सलातो सलाम तीसरे आसमान तो चौथे आसमान वल रवाना होए हजरत यूसुफ अली सलातो सलाम ने मेरे आका दा पल्ला मुबारक पकड़ लिया ते अर्ज करन लगे पर तू सुल्तान हुसन दी नगरी अते राज सलामत तेरा पर तू सुल्तान हुसन दी नगरी अते राज सलामत तेरा मैं खड़ावा फरियादी बन के ते कदर करी कुछ में मैं खड़ावा फरियादी बन के ते कदर करी कुछ मेरा। अल्लाह ने हजरत यूसुफ अली सलातो सलाम नु हुसन बख्शिया। मैं हदीस पाक तो गल शुरू करन लगा बड़ी तवज्जो नाल समात फरमाए। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर एक सफा नंबर 3382 होले होले सुभान मस्जिद नबवी है मस्जिद नबवी शरीफ अल्लाह तुहानू ज़ियारत कराए। मेरे आका अली सलातो सलाम ने फरमाया सिहाबा जरा आज मैं तुहानू अपने यूसुफ अली सलाम की शान ना सुनावा। आज मैं भी अपने आका की सुनत पूरी करने लगा। मस्जिद नबवी है सिहाबा नू मेरे नबी फरमाया आज तुहानू हजरत यूसुफ की शान ना सुनावा। सिहाबा भी इंज खुश हो जिवें तुसी मुस्करा रहे हो।